लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाबी दंगल मैदान आज लगेगा। 14 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के। सदारती नशिस्त पर हफीजुर रहमान, खादिम हुसैन कैसर और साजिद बशीर मद्दे मुकाबल। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बार इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खवातीन के लिए अलग बूथ कायम। हाई कोर्ट के दाखिली और खाजी रास्ते वोटर्स के लिए खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से मुलहका सड़क बंद की जाएगी। तमाम मेंबरान को मेंबरशिप कार्ड हमरा लाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। हाई कोर्ट में आज मुकम्मल तातील होगी। प्रिंसिपल सेट और चारों बेंचेस पर मुकम्मल तातील होगी। आज नए केसेस दायर नहीं किए जा सकेंगे। बिगड़े रईस दादों की कानून चिकनी। कानून के रखवालों को गाड़ी के नीचे दे दिया। ट्रैफिक इशारे पर गाड़ी ना रोकने पर तलकलामी। ड्राइवर ने कांस्टेबल रफाकत पर गाड़ी चढ़ा दी। कांस्टेबल हादसे में महफूज रहा। कानून के रखवाले ही कानून चिकनी करने लगे। डॉल्फिन अहलकार पतंगबाज निकले। पतंगे और डोर लेकर सरेआम घूमने लगे। गाजियाबाद के इलाका ट्रांसफार्मर वाली गली के रिहायशी डॉल्फिन अहलकार पतंगबाज निकले। लाहौर न्यूज के कैमरामैन को फुटेज बनाने से रोक दिया। कैमरा छीनने की कोशिश। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कहां होगी? ताहाल फैसला ना हो सका। इंतजार कर रहे हैं हुकूमत के कहने पर एंजियोग्राफी कराएंगे। नवाज शरीफ ने इनकार नहीं किया। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का रद्द अमल। ताखीर होने पर कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत और डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिनाह अस्पताल आमद। नवाज शरीफ की अयादत की, कारकुनों की जानिब से नारेबाजी। स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर की भी जिनाह अस्पताल आमद। नवाज शरीफ की अयादत की इजाजत ना मिली। बड़े अफसर को पकड़ना है तो बड़े अफसर से इजाजत लो। ग्रेड 17 से 19 तक के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए नैब को नया हुक्म आ गया। अफसरान की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब की पेश की इजाजत लाजमी करार। नैब हुक्काम गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन जावेद इकबाल से मंजूरी लेंगे। सेवरेज सिस्टम की सहूलियात पंजाब हुकूमत का अहम कदम। वासा सर्विस एरिया को बढ़ाने का फैसला। बंद रोड से मुलहका दरिया रावी की जमीन पर आबादियों को भी ड्रेनेज सिस्टम मुहैया किया जाएगा। एमडी वासा कहते हैं नए सेवरेज का PC1 आइंदा हफ्ते हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। CIA कोतवाली की खूबसूरती मान पड़ने लगी। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इमारत खस्ता हाली का शिकार। 104 साल इमारत तर्ज तामीर के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। बागों के शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के एजाज में X2 कैफे गुलबर्ग में तकरीब। तकरीब का अहतमाम मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से किया गया। तकरीब में सहाफी बरादरी समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में टाकरे का तीसरा रोज। बिल्डिंग ए में 7 मुख्तलिफ मुकाबले। 250 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। डांस परफॉर्मर्स कुकिंग टीमों का अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। तमाशा थिएटर के उनवान से ड्रामा भी पेश किया गया। तलबा का जोशो खरोश दीदनी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की काविश को सराहा। UCP तलबा की सलाहियतों को उजागर करने में पेश। बिल्डिंग बी में 5 मुख्तलिफ मुकाबले। 150 तलबा शरीक। मुकाबले हुस्न नात में 16 तलबा ने समा बांध दिया। अदबी मौजूदात पर बहस व मुबाहसे। हार्वर्ड केस पर भी मुतालती मुकाबले। फोटोग्राफी फिल्म और थिएटर की टीमों ने भी अपना फन दिखाया। शानदार प्लेटफॉर्म मिलने पर तलबा खुश।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैशन शो और म्यूजिकल नाइट, दीदाजेब मलबूसात में मॉडल्स के रैंप पर जलवे। नामवर गुलुकारों ने आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। शानदार परफॉर्मेंस पर तलबा भी झूम उठे। और इल्म अदब की बड़ी बैठक, अलहमरा हॉल में 3 रोजा लिटरेरी फेस्टिवल का पहला रोज, सकाफत, अदब और फनून लतीफा, सियासी समाजी मसाइल पर पैनल गुफ्तगू। क्लासिकल म्यूजिकल बैंड की सरताल ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया।